नमस्ते डियर फ्रेंड्स, दिस इज साधक मुकेश और योगिक लाइफस्टाइल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दो दिन पहले मैं अपने क्लासेस को ओवर करके घर पर जा रहा था, तो मेरी बाइक में कुछ टेक्निकल इशू आया और अनफॉर्चुनेटली कोई ऑप्शन था नहीं, तो मुझे बाइक को ही लगभग 2-2.5 किलोमीटर मुझे पैदल ही बाइक को लेकर जाना पड़ा, और क्योंकि बीच में कोई मैकेनिक भी नहीं था, तो जब रास्ते में मैं चल रहा था तो 2 पुल आए। उस पुल पर क्रॉस मुझे करना था, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, और पहला पुल तो मैंने क्रॉस कर लिया, लेकिन दूसरे पुल पर चढ़ते हुए मैं सोचने लगा कि चढ़ूँ कि नहीं चढ़ूँ, लेकिन फिर भी मुझे जाना तो था ही, ऑप्शन था नहीं, और मैं चढ़ा। काफ़ी पसीना पसीना में हो गया था, तकलीफ़ में था, थोड़ा पैरों दर्द भी होने लगा, और उसके बाद चढ़ते चढ़ते फिर हाइट पर पहुंचा और वो क्रॉस लगभग हो चुका था जो पुल था। जब मैं पुल के टॉप पर पहुंचा तो मैंने राहत की सांस ली, फाइनली मैं पहुंच गया, और बैठ करके मैं बिना किसी दिक्कत के, यू नो, ढलान थी तो मैं नीचे उतर गया। तो मुझे थॉट आया कि यार लाइफ में भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना, और हम लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हम फेस करते हैं, लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है, हम तकलीफ़ें झेलते हैं, पीड़ा दर्द परेशानी झेलते हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो हम हताश हो जाते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में भी तो ऐसा ही है ना, क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई पेन, कोई दर्द परमानेंट नहीं है, ना ही आपकी जो पीड़ा है, दर्द है, परेशानी है वो परमानेंट है, ना ही आपकी खुशी परमानेंट है। अगर खुशी आज है तो गम भी आना है, और गम आज है तो खुशी भी आनी है। और मैंने उससे, वो पुल से ही बड़ा अच्छे से इसको सीख पाया, समझ पाया कि उस परेशानी, जब मैं चढ़ा वहाँ तक वो परेशानी थी, लेकिन उसके पार जब मैंने देखा तो आनंद ही आनंद था। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी ज़िंदगी में दर्द परमानेंट नहीं होता, ये मैं सीख पाया वहाँ से, और कोई भी परेशानी परमानेंट नहीं होती, कोई भी दुख तकलीफ पीड़ा दर्द परमानेंट हो ही नहीं सकते, उसके पीछे खुशियों का गुलिस्तान छुपा हुआ है, उसका इंतज़ार करिए और वो तब करते जाइए, काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, अपने लक्ष्य पर लगे रहिए, पीछे मत हटिए, आने वाला समय आपका है, और लक्ष्य से कभी डगमगाना नहीं चाहिए। छोटी मोटी परेशानियाँ किसके रास्ते में नहीं आई, सभी के जो कामयाब लोग हैं, सभी के रास्ते में कुछ ना कुछ तकलीफें आई होंगी। ऐसा नहीं है जो लोग कामयाब हैं वो बिल्कुल माँ के पेट से ही कामयाब पैदा होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी जीवन में क्या तकलीफ आई, आप उनसे भी ज़रूर सीखें, क्योंकि जो लोग कामयाब होते हैं हम अक्सर हैरान हो जाते हैं कि यार ये आदमी ने इतनी सक्सेस कैसे पाई, लेकिन उसके पीछे का जो दर्द है, पीड़ा है, उसके पीछे का जो तप है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है, इस पुल की तरह हमारी ज़िंदगी में कई प्रॉब्लम्स ऐसे आते होंगे जो अक्सर हम शेयर नहीं कर पाते, शेयर करते हैं तो आँखों से आँसू छलक जाते हैं, क्योंकि वो दर्द, वो पीड़ा हर किसी की ज़िंदगी में आती है। अगर आप सच में आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो दर्द, पीड़ा और तकलीफों से मत घबराइए, चलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को नीचे रेड जो आइकन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको टर्न ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोस को आप देख पाएँ और मोटिवेटेड रह पाएँ और ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ। थैंक यू सो मच, साधक मुकेश।